हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज हम बात करेंगे बायो मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बट बिफोर स्टार्टिंग टू द टॉपिक कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं आज एचआरडी मिनिस्टर ने बोला कि सबसे पहले आपके बोर्ड्स के एग्जाम होंगे ना ये प्रिडिक्शन हमने पहले ही कर दी थी कि सबसे पहले पाइपलाइन में आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम है फिर आई के एग्ज़ाम है और फिर नीट के एग्जाम है तो जो भी नीट के एस्पेरेंट्स हैं जो इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनको हमारा वो वीडियो लॉकडाउन कब खत्म होगा और नीट का एग्जाम कब होगा वो जरूर देखना चाहिए तो एक बार सबसे पहले आप वो वीडियो जरूर जाके देखें आपको और भी सारी जानकारी वहां से मिलेगी ना कमिंग टू द टॉपिक बायोमोलिक्यूल में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को जानने से पहले एक बार आप इसका पार्ट वन देखें ये पार्ट टू है प्रोटीन का तो पार्ट वन में हमने बेसिक इंट्रो दिया है प्रोटीन के बारे में और अगर आप प्रोटीन के बारे में इंट्रो जानते हैं तो आप स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे सीधा जा सकते हैं तो कमिंग टू द पॉइंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इससे पहले हम छोटी सी बात कर लें प्रोटीन जो है वो एक हेट्रोपॉलीमर है और प्रोटीन जो है वो आपके अमाइनो एसिड का बना है ठीक है ना अमाइनो एसिड इज बिंग अ बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन किसी भी एक प्रोटीन को प्रोटीन कहने के लिए कम से कम 50 अमाइनो एसिड चाहिए ठीक है और प्रोटीन को स्टडी करने के लिए जो हम टूल यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं एनएमआर एनएमआर मींस न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस और ये नीट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ठीक है तो प्रोटीन को स्टडी करने के लिए हम यूज करते हैं एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस चलिए अब बीइंग ए बायोलॉजिस्ट आप, आप बायोलॉजिस्ट की तरह अगर देखेंगे तो प्रोटीन के चार लेवल हैं ऑर्गेनाइजेशन के जैसे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वार्टनरी लेवल तो हम इसी को सीक्वेंस इस में बात करेंगे नाउ अब देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करता हूं कि सपोज कीजिए कि आपका एक प्रोटीन बना तो वो लॉन्ग लीनियर चेन में बनेगा जिसका जो एक एंड है ठीक है उसको हम बोलेंगे एन टर्मिनल एंड द लास्ट एंड विल बी कॉल्ड सी टर्मिनल कार्बोक्सिल टर्मिनल सो एन इज अमाइनो टर्मिनल एंड सी इज कार्बोक्सिल टर्मिनल ठीक है सेम चीज को मैंने ऊपर रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे देखिए और देखिए जो एन टर्मिनल है यहाँ पे यहाँ पे सी टर्मिनल है और उसके बीच में आपके अमाइनो एसिड अरेंज है ना फ्रेंड्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन हमने हर एक अमाइनो एसिड की कोडिंग कर रखी है तो कुछ कोडिंग मैंने यहाँ भी लिख रखी है जैसे कि सेरीन के लिए हम कोड करते हैं एस थ्रियोनिन के लिए टी ग्लूटामेट के लिए ई एंड प्रोलिन के लिए पी कोड करते हैं और हर एक अमाइनो एसिड यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक है चलिए अब इसी एक सीक्वेंस को हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ठीक है ना अब इस सीक्वेंस को देखिए ध्यान से और इससे हम क्या क्या पता लगा सकते हैं पहला कि हम किसी भी एक अमाइनो एसिड का पोजीशन पता लगा सकते हैं सो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है उससे हम किसी भी एक अमाइनो एसिड का पोजिशनल इन्फॉर्मेशन पता लगा सकते हैं ठीक है तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मुझे बताना है कि प्रोलिन किस पोजीशन पे है तो भाई फोर्थ पोजीशन पे है ठीक है थ्रोनिन किस पोजीशन पे है तो सेकंड पोजीशन पे है ठीक है चलिए ये तो पता चल गई आपको बात पोजिशनल इन्फॉर्मेशन की ठीक है और क्या पता लगा सकते हैं आप यहां से एक चीज और पता लगा सकते हैं कि ये जो आपका ए, प्राइमरी सिक्वेंस है ठीक है वो कहाँ से फोल्ड होगा और फंक्शनल प्रोटीन बनेगा आई रिपीट आप प्राइमरी स्ट्रक्चर को देख के ये भी पता लगा सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो आगे जाके कौन से प्रोटीन में कन्वर्ट होगा ना ये तो बात होगी प्राइमरी स्ट्रक्चर की प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो देखिए

क्वेश्चन जो बहुत अच्छा यहां पे बनता है वो देखिए अगर मुझे एक नया अमाइनो एसिड ऐड करना है आई रिपीट अगर मुझे कोई नया अमाइनो एसिड ऐड करना है तो मैं कहाँ ऐड करूंगा एन टर्मिनल पे या फिर सी टर्मिनल पे क्या होगा आंसर सो द आंसर विल बी द सी टर्मिनल तो जब भी आपको कोई नया अमाइनो एसिड ऐड करना है दैट विल बी एडेड टूवर्ड्स द सी टर्मिनल नॉट द एन टर्मिनल ये आप याद रखेंगे चलिए कमिंग टू द पेज नंबर ऑफ द एन टर्मिनल इज रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट अमायनो एसिड एंड द सी टर्मिनल इज इंडिकेटिंग द लास्ट अमाइनो एसिड मैंने आपको पहले ही बता दिया ये देखिए प्राइमरी सीक्वेंस है ये एन टर्मिनल है ये सी टर्मिनल है एन टर्मिनल पे आपका फर्स्ट अमाइनो एसिड होगा सी टर्मिनल पे आपका लास्ट अमाइनो एसिड होगा फिर आगे चलते हैं अब प्रोटीन थ्रेड डू नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एक्सटेंडेड एज अ टाइट रॉड द थ्रेड इज फोल्डेड इंटू टू पार्ट्स अब देखिए प्राइमरी जो सीक्वेंस है या तो वो कन्वर्ट होगा आपके अल्फा हेलिक्स फॉर्म में या बीटा प्लेटेड शीट्स में ना जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर था ये वाला ठीक है या तो वो आपके अल्फा हेलिक्स में कन्वर्ट होगा या फिर बीटा प्लीटेड शीट्स में ठीक है ना ये जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है जब वो अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट्स में कन्वर्ट होगा तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ना जो आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं उनका डायग्राम यहां पे दे रखा है अल्फा हेलिक्स अल्फा हेलिक्स का मतलब भी बीटा शीट विल भी इन शीट तो ये देखिए ये एक शीट हो गया ये दूसरा शीट हो गया तीसरा और चौथा शीट हो गया तो ये आपकी इस तरह से अरेंज है चलिए तो ये रहा आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर नाउ क्वेश्चन यहां से जो बनते हैं आप वो समझिए अल्फा हेलिक्स एंड बीटा आर प्लेटेड्री स्ट्रक्चर किया अब क्वेश्चन ये है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो आपके पास एक ही बॉन्ड बॉन्ड था दैट इज पेप्टाइड ठीक है लेकिन अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट में पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही साथ ही साथ एक एडिशनल बॉन्ड यहाँ पे जुड़ेगा दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड तो याद रखिए स्टूडेंट्स जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ आपको पेप्टाइड बॉन्ड मिलता है लेकिन इन केस ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक एडिशनल बॉन्ड ऐड होगा दैट इज बिंग हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक है ना नेक्स्ट पॉइंट इज वॉट की सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एनसीआर में तो अल्फा एलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स के बारे में ही बात की गई है लेकिन एक और स्ट्रक्चर है जो सेकेंडरी में इंक्लूड कर सकते हैं आप और उसका नाम है कोलाजिक ठीक है तो कोलाजन इज आल्सो अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो आपके पास तीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हो गए अल्फा हेलिक्स बीटा प्लीटेड शीट्स एंड कोलाजन और आपको पता ही है कोलाजन आपके बॉडी में प्रेजेंट होता है जो अलग अलग सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी के पार्ट को चलिए इसके बाद आइए टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में तो अब क्या होगा आगे जाके जो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो अच्छे से राउंड अप होके वन बॉल में कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज कॉल एज टर्शरी स्ट्रक्चर ठीक है तो ये डायग्राम देखिए एनसीआर टी की डायग्राम है टर्शरी स्ट्रक्चर ना टर्शरी स्ट्रक्चर इज एप्सोलूटली नेसेसरी फॉर मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसको आप याद रखिए और मैं इसके बारे में अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ अब देखिए फ्रेंड्स टर्शरी स्ट्रक्चर तो सबसे पहली बात कि प्राइमरी और सेकेंडरी से बड़ा होगा अगर कोई स्ट्रक्चर बड़ा है तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए और भी सारे बॉन्ड चाहिए होंगे तो टर्शरी स्ट्रक्चर्स में कौन कौन से बॉन्ड आएंगे पहला जो सबसे कॉमन रहेगा दैट इज बीइंग अ पेप्टाइड बॉन्ड दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड ना और भी बॉन्ड्स यहाँ पे आएंगे जैसे कि वेंडरबॉल बॉन्ड्स हाइड्रोस्टैटिक बॉन्ड्स कोलन बॉन्ड्स और भी सारे बॉन्ड्स आएंगे लेकिन ये कुछ ऐसे बॉन्ड्स हैं जो यहाँ पे होंगे ठीक है तो आई रिपीट कौन कौन से बॉन्ड्स होंगे ठीक है मैं लिख भी देता हूं पेप्टाइड एच बॉन्ड दट इज हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोफोबिक वेंडरवॉल तो ये कुछ आपके बॉन्ड्स हैं जो होंगे कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे ठीक है तो ये कुछ लिस्ट ऑफ बॉन्ड्स हैं जो आपको यहां देखने को मिलेंगे ये रहे हैं आपके बॉन्ड्स चलिए अब क्वेश्चन से जो बनता है, से, पहले वो बता हूं. अब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा इसमें आंसर इज दिस हाइड्रोफोबिक स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट कौन सा होगा वेंडरवॉल तो वेंडरवॉल वीक एंड हाइड्रोफोबिक स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड पाया जाएगा ना नेक्स्ट इज वर्ड की जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो एब्सोल्यूटली फॉर द मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन इस लाइन का मतलब समझते हैं कि अब होगा क्या कि जब सेकेंडरी से आप टर्शरी की तरफ कन्वर्ट होंगे तो जितने भी आपके एक्टिव साइट्स हैं ठीक है थीके? वो आपके सरफेस की तरफ प्रोजेक्ट हो जाएंगे अब एक्टिव साइट्स क्या होता है एक्टिव साइट इज बींग पॉकेट टू विच द सबस्ट्रेट इंटरैक्ट्स आई रिपीट एक्टिव साइट वो पॉकेट होता है जिससे आपके सब्सट्रेट अपने प्रोटीन या इंजाइम से इंटरैक्ट करते हैं तो स्ट्रक्चर में इस तरीके से फोल्डिंग होगी कि आपके सारे एक्टिव साइट्स बाहर की तरफ एक्सपोज हो जाएंगे ताकि आपके सब्सट्रेट की बाइंडिंग आपके प्रोटीन या इंजाइम से हो सके ठीक है ना क्वेश्चन यहां से याद रखिए आपके इंजाइम दो तरीके के होते हैं पहला आर एन एंजाइम और दूसरा प्रोटीन इंजाइन तो जितने भी प्रोटीन इंजाइन होंगे वो सब आपके टर्शरी नेचर के होंगे आई रिपीट जितने भी प्रोटीन इंजाइन होंगे वो सब आपके टर्शरी नेचर के होंगे चलिए नेक्स्ट कमिंग टू द पॉइंट और भी देख लेते हैं क्वार्टनरी के बारे में भी बात करेंगे हम अब देखिए, टर्शरी तो आपका स्ट्रक्चर बन गया क्वार्टनरी कैसे बनाएंगे ना क्वार्टनरी का जो की जो बात है उसमें हम देखें तो क्वार्टनरी में दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स ठीक है अरेंज होंगे आपस में एक साथ ठीक है और मिलके आपका क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे कि हेमोग्लोबिन अब हेमोग्लोबिन जो है उसके अंदर दो अल्फा और दो बीटा होते हैं तो जब दो अल्फ़ा और दो बीटा आपस में क्लोजली कॉन्टैक्ट में आते हैं एंड वाई आर डिफरेंट्स ऑफ द बॉन्ड ठीक है अलग अलग बॉन्ड को जोड़ के आपका एक प्रोटीन बनाते हैं दैट इज बिंग हेमोग्लोबिन एंड हेमोग्लोबिन इज अ क्वाटनरी स्ट्रक्चर चलिए फोर सब यूनिट्स, दैट इज टू अल्फा एंड अब क्वेश्चन से देखिए कि हेमोग्लोबिन तो आपका क्वाटनरी स्ट्रक्चर है लेकिन इसका भाई दैट इज मायोग्लोबिन वो है आपका टर्शरी इनफॉर्म तो याद रखिए दोनों ही ऑक्सीजन कैरी करते हैं लेकिन एक ब्लड में और एक मसल्स में बस अंतर क्या है hemoglobin जो है वो आपके स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है और मायोग्लोबिन टर्शरी में एग्जिस्ट करता है Now, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये दे रखा है कि क्या हेमोग्लोबिन टर्शरी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है तो आंसर है स्टूडेंट जी हा बिल्कुल एक हेमोग्लोबिन टर्शरी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि सिंपल सा लॉजिक ये है कि क्वार्टनरी तब तक नहीं बन सकता जब तक टर्चरी फॉर्म कंप्लीट नहीं हो जाता ठीक है तो अगर मान लीजिए मुझे हेमोग्लोबिन बनाना है तो पहले होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर फिर बनेगा फिर बनेगा, बनेगा आपका क्वार्टनरी स्ट्रक्चर चाहे वो दुनिया का कोई भी प्रोटीन हो ड मैटर कोई भी प्रोटीन हो सीक्वेंस से ही फॉलो होगा कोई भी प्रोटीन जंप नहीं मारेगा जैसे मान लीजिए कि मुझे हेमोग्लोबिन बनाना है तो प्राइमरी से टर्शरी नहीं जाएगा दे विल फॉलो अ सीक्वेंस कि प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शरी और जरूरत पड़े तो क्वार्टनरी ठीक है तो कोई भी प्रोटीन जंप नहीं मारेगा ना फ्रेंड्स ये था आपका आज का टॉपिक दैट इज बींग अ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट करें We will solve your comment as soon as possible. For now, thank you, students. Kindly subscribe, like, comment, and share to my YouTube channel, plus, press the bell icon for the regular updates. Thank you for now.